गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं जस्टिस लोडा रिफॉर्म चैनल से राकेश हांडा बोल रहा हूँ। क्योंकि ये पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन की जो कुछ खास खास बातें हैं जो काफ़ी दिन से हमने कोर्ट्स में डाल रखी थी और पुलिस स्टेशन में हैं, तो मैं धीरे धीरे वो भी अपने पंजाब के क्रिकेटर्स और पंजाब के क्रिकेट लवर्स और जो ये एपेक्स बॉडी जो काम कर रही है इनकी थोड़ी थोड़ी आपको बताता हूँ। छोटी छोटी बातों से आपको समझ आ जाएगी ये क्या करने जा रहे हैं और क्या करते रहे 40 साल से। तो मैं एक बहुत बड़ा मसला है जो पटियाला क्रिकेट एसोसिएशन है और पटियाला डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन है, जिसके ऊपर मैं पहले भी बोल चुका हूँ, और उनके जो बैंक अकाउंट्स हैं, क्योंकि पटियाला डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन 82 में रजिस्टर्ड बॉडी हुई और पटियाला क्रिकेट एसोसिएशन उन्होंने अपने आप चेंज करके ट्रस्ट बनाई है, तो ट्रस्ट रन करती रही है पटियाला क्रिकेट एसोसिएशन। उन्होंने एक बाद में गुरुद्वारियाँ भी अपने नाम पर करा ली, ग्राउंड भी अपने नाम पर करा लिया, क्योंकि MP पांडव वहाँ थे और MP पांडव पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन में थे, और अपने आप ही बिना KYC के इन्होंने पटियाला क्रिकेट एसोसिएशन में पैसे ट्रांसफ़र करे, जिसका KYC अभी तक दिया नहीं इन्होंने। क्योंकि मैं बैंक को फॉलो कर रहा हूँ, मैंने RBI को भी कंप्लेंट करी हुई है, GM स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को भी कंप्लेंट्स करी हुई है, मैंने सब जगह कंप्लेंट करी और मैं फॉलो भी कर रहा हूँ पर्सनली, मैं बैंक भी गया था पर्सनली। इनका KYC का रिकॉर्ड अभी इन्होंने फिर झूठा दे दिया वहाँ पे, क्योंकि जो रजिस्टर्ड बॉडी है 82 वाली उसके डॉक्यूमेंट देते हैं, अपनी ट्रस्ट के डॉक्यूमेंट नहीं देते, जो कि हमने GST से निकाले हुए हैं। उसमें एक जो प्रेसिडेंट और तीनों ये भाई MP पांडव, KP पांडव और RP पांडव ट्रस्टी हैं, वो भी हमने पटियाला क्रिकेट एसोसिएशन के डॉक्यूमेंट निकाले हुए हैं जो हमने पुलिस को दिए थे, बाद में इन्होंने मैनिपुलेट कर लिया। क्या किया अभी उसकी कोर्ट में देखते हैं क्या होता है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये एपेक्स बॉडी जो पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन की पेरेंट बॉडी है, उनमें एक तो लर्नर लॉयर जो कि जाली है मिस्टर 48% है, और एक प्रेसिडेंट जो कि कॉरपोरेट रन करते हैं बहुत बड़े हैं, तीसरा एक RP सिंगला जो बहुत अहदे से रिटायर हुए थे, चौथा ये जो राकेश राठौर जी जो बहुत बड़े पॉलिटिशियन हैं, ये चार बंदे उस बॉडी में हैं। तो क्या इनको उन डॉक्यूमेंट्स की समझ नहीं आती? इन्होंने अपने एजेंडे में लिया और इग्नोर कर दिया। क्यों करते हैं? क्योंकि ये पब्लिक मनी ट्रांसफ़र हुई है और पब्लिक मनी ये पब्लिक बॉडी है, पब्लिक मनी इन्होंने पटियाला में ट्रांसफ़र करी है, ये दो बॉडीज़ कैसे बनी हुई हैं, इन्होंने कैसे ग्राउंड को हड़पने की कोशिश की है, तो ये सारे मिले हुए हैं। मैं तो कह रहा हूँ इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ये सारे पांडव और वालिया के साथ मिले हुए हैं, और इस चीज़ के लिए क्योंकि ये इस चीज़ को उछाल नहीं रहे, क्या इनका इंटरनल मैटर नहीं है? हम पुलिस में जाके ये बात उठाएंगे, और ये बात सारे के सारे मिले हुए हैं, मिल के इसलिए इस मैटर को हशअप करते हैं बार बार, और मैं हशअप नहीं होने दूंगा क्योंकि ये डॉक्यूमेंट मेरे पास सारे हैं। आपने कोशिश करी इस एपेक्स में अवॉइड करने की इन चीज़ों को, कि ये चीज़ें अवॉइड हो जाएं, पटियाला क्रिकेट एसोसिएशन, पटियाला डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन, मोहाली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन, मोहाली क्रिकेट एसोसिएशन, मुल्लांपुर की बातें तो मैंने शुरू कर ही दी हैं, उसके डॉक्यूमेंट तो सारे हैं मेरे पास, उसकी कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड डॉक्यूमेंट भी हैं, उसके ऑडिट ऑब्जेक्शन भी हैं मेरे पास, तो वो तो मैं अभी धीरे धीरे छेड़ूंगा ना, उसमें क्यों कमेटी चेंज हुई है ये बातें बाद में छेड़ूंगा। पर आप मेरे को ये बताइए कि ये जो एपेक्स बॉडी है, ये डमी लोगों की जो 4-5 लोग रन कर रहे हैं, क्या इनको समझ नहीं आती? उसमें जो पटियाला डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन है और पटियाला क्रिकेट एसोसिएशन है, जो पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन है, उसमें पैसा ट्रांसफ़र किया है, जो करोड़ों रुपये ट्रांसफ़र हुए हैं, वो क्यों हुए हैं, कैसे हुए हैं, किसने किए, क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं हो रही? अगर आप में नहीं दम नहीं करानी चाहते तो ना सही, हम क्रिकेटर अब 2-4 हज़ार इकट्ठे हो चुके हैं, आपकी गलतफहमी वो भी दूर कर देंगे। अब जब हम स्टेडियम के बाहर, पंजाब क्रिकेट स्टेडियम के बाहर धरना रख के बिल्कुल बैठेंगे तो आपको सब चीज़ें समझ, सारी अखबारें बुलाएंगे, सारी दुनिया बुलाएंगे, आपके एक एक डॉक्यूमेंट दिखाएंगे, आप वो स्टेज चाहते आ जाए। अब आपने वो स्टेज क्रिएट करने की कोशिश कर दी है, क्योंकि आप आपस में बैठ के मीटिंगें करते हो, कभी कहीं कभी कहीं, कभी लुधियाना, कभी चंडीगढ़, कभी पटियाला, यह सारी मीटिंगें हमें समझ आती हैं, क्यों हो रही हैं मीटिंगें, किस लिए हो रही हैं, कौन किसको बचाना चाहता है, हमें नहीं पता, ना आपको क्रिकेट से मतलब है, ना आपको क्रिकेट से कोई ना इंटरेस्ट है, ना आपको क्रिकेटरों से मतलब है, ना क्रिकेट से मतलब है। ये 5 लोगों को सिर्फ अपने आप पे अपने इंटरेस्ट हैं, क्या इंटरेस्ट हैं, ये बातें धीरे धीरे खुल जाएंगी और खुल जाएंगी, कोई उलझाने वाला इशू नहीं, कोई पुलिस स्टेशन, कोई कोर्टों में जाने की, जो ये PCA का मसला है, ये पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन अपना मसला खुद समझ, खुद निबेड़ेगी, अपनी विजिलेंस बिठाए, अपना सब कुछ बिठाए, और इसको डिसाइड करके हमें, हम वार्न कर रहे हैं कि हमें 3 हफ्ते में रिप्लाई चाहिए,
अदरवाइज हम स्टेडियम के बाहर धरना लगा के बैठेंगे, फिर जुलूस निकलेगा पूरे हिंदुस्तान में टीवी चैनलों के सामने। तो ये मैं आज आपको बता देता हूँ बड़े स्पष्ट लफ्जों में, मेरे पे कोई प्रेशर नहीं, मैं किसी के प्रेशर में नहीं आता, ना मैं आपसे डरता हूँ। आपने डेफिमेशन डालनी है सारे मिलकर डालो, लर्नर लॉयर साहब, मिस्टर 48%, आप जो इम्पोर्ट करके आए हो बचाने के लिए, आप जो करना कर लो, मैं हाई कोर्ट के बाहर भी धरना दूंगा आपके पेपरों के साथ। थैंक यू वेरी मच।